नमस्कार दोस्तों, नवरात्रे के पावन पर्व के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप शांतिदायक और कल्याणकारी है। मस्तक पर घंटे के आकार का चंद्र धारण किए, नौ भुजाओं में त्रिशूल, गदा, धनुष, तलवार, कमान, बाण और एक कमंडल धारण किए हुए और दसवें हाथ से भक्तों को आशीर्वाद देते हुए माता चंद्रघंटा सिंह पर सवार होती हैं। आदि शक्ति माँ भवानी अपने भक्तों के शत्रुओं के प्रति भयानक होती हैं। सती द्वारा स्वयं को पिता के यज्ञ में भस्म करने के बाद भगवान शिव शंकर सांसारिक मामलों से अलग हो गए थे और गहरे ध्यान लगाने और तपस्या करने के लिए पहाड़ों में जाकर बस गए थे। लेकिन सती के पुनर्जन्म में पार्वती द्वारा भगवान शिव को पाने के संकल्प को देखने के बाद भगवान शिव विवाह के लिए सहमत हो गए। विवाह के दिन भोलेनाथ एक विचित्र रूप में जुलूस के साथ राजा हिमालय के महल में पहुँचे। उनका पूरा शरीर राख से लिपटा हुआ था। उनकी बारात में भूत, सन्यासी, साधुगण और अघोरी शामिल थे। भगवान शिव और उनके विचित्र विवाह के ऐसे भयानक जुलूस को देखकर पार्वती जी की माँ और अन्य रिश्तेदार भयभीत हो गए थे। अपने परिवार और भगवान भोलेनाथ को शर्मिंदगी से बचाने के लिए माँ पार्वती ने खुद को एक भयानक रूप में बदल लिया और वह रूप है चंद्रघंटा माता का। इस रूप में उनका रंग सुनहरा था और उनकी 10 भुजाएं थी। चंद्रघंटा के रूप में माँ पार्वती ने शिव भगवान से प्रार्थना की कि वह एक सुंदर राजकुमार का रूप धारण करें और अपनी शादी के जुलूस को भी बदल दें। इस प्रकार भगवान शिव सुंदर राजकुमार का रूप लेकर और उन्होंने अपने विवाह के जुलूस को भी बदल दिया। इसके बाद माता पार्वती का भोलेनाथ से बड़े ही धूमधाम के साथ विवाह हुआ। शिव विवाह के दिन को हर साल महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। माता चंद्रघंटा की कृपा से भक्तों के सभी पाप, संकट और शारीरिक तथा मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। शेर पे सवार होकर माँ चंद्रघंटा अपने भक्तों को उदारता का अनुभव कराती हैं। जो भक्त सच्चे मन से माता चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करते हैं, वो अपने चारों ओर दिव्य वैभव की आभा का अनुभव करते हैं। माँ चंद्रघंटा दुष्टों का विनाश करने के लिए तैयार रहती हैं। अपने भक्तों के लिए वह हमेशा दयालु माँ के रूप में प्रकट होती हैं। माँ चंद्रघंटा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मणिपुर चक्र अर्थात नाभि चक्र से जागृत होने वाली शक्तियाँ प्राप्त होती हैं तथा सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। माता चंद्रघंटा को लाल रंग के विशेष पुष्प अर्पित करने चाहिए, लाल फल चढ़ाने चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय घंटी अवश्य बजानी चाहिए। माता को दूध या दूध से बनी चीजों का भोग अर्पित करना चाहिए। मखाने की खीर के भोग से माँ अति प्रसन्न होती हैं।